ना। लाइट के बारे में बेसिकली पता है ना, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, है ना। इसको कहते हैं, सी दिस इज द प्लेन मिरर। नॉर्मल ग्लास एंड प्लेन मिरर में क्या डिफरेंस है, है ना। नॉर्मल ग्लास एंड प्लेन मिरर में ये डिफरेंस होता है कि नॉर्मल ग्लास डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी सिल्वर पॉलिश सरफेस, नॉर्मल ग्लास में। जबकि इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, एक हमारे पास जो प्रिज्म है ये नॉर्मल ग्लास है, है ना। ये नॉर्मल ग्लास है जो कांच का ये बना हुआ है, देखिए, सी ये नॉर्मल ग्लास है, इसमें कोई पॉलिश सरफेस नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे, इमेज बनेगा कब, जब पॉलिश सरफेस कंसिस्ट करेगा। देख रहे हैं सुंदर सुंदर चेहरा इसमें आ रहा होगा, है ना, वो सब तो बनिए है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के केस में पता चलेगा, एक लाइट का फेनोमेनन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। ये सरफेस है ना, यहाँ पे देखो, दे रहे हैं हम, यहाँ पे लाइट कहाँ जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है कि नहीं, ये रिफ्लेक्शन होकर के जा रहा है, ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट कहाँ दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। सेकेंड जो टॉपिक है बाबू, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। देखिए हम किस एंगल पे बेंड करेंगे, हटो जी लड़की, गलत जगह चल जाएगा लाइट, हटो। फिर देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग, देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट, जिस एंगल पे हम बेंड करवाएंगे ना उससे दुगना। देखो यहाँ इस एंगल पे बेंड करवा रहे, ऊपर देख रहे हैं कहाँ जा रहा है लाइट। चलो हो गया, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम। और ये क्या ना, व्हाइट लाइट जो क्या बताता है, जैसे पता होना चाहिए व्हाइट कोई भी चीज कब दिखता है, इसका मतलब सेवन कलर जो है ना, काला कब दिखेगा, जब सेवन कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे अलग अलग कलर शो करने के पीछे व्हाइट कब होगा, इसका मतलब सब कलर को रिफ्लेक्ट करने का पावर होता है। सब कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब इट हैज कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का पावर होता है। और व्हाइट है, इसका मतलब सब को रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है ना, ये शो करता है, क्योंकि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे क्या होता है, अलग अलग केस में बेंडिंग होता है। अभी वहां पे एक बीकर है ना, उसमें पानी, वो लेकर क्या हो, तो पानी है ना, इसमें भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होगा। देखो रिफ्रैक्शन के पीछे कारण क्या होता है ना, जब भी माध्यम चेंज होना चाहिए, रिफ्रैक्शन में माध्यम चेंज होता है, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ऐसे यहाँ पे हवा है, ठीक है ना, हवा से लाइट पास करवा रहे हैं, यहाँ पे पानी में जा रहा है, ठीक है। एंगल देख रहे, देख रहे हैं हम, यहाँ पे नीचे मार रहे लाइट, है ना, ऊपर में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या, माध्यम चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ हम हवा से लाइट पास करवा रहे हैं, है ना, यहाँ पे वाटर में जा रहा है। तो जैसे ही माध्यम चेंज होता है उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी इंट्रोडक्शन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में। देखिए इसका क्या नाम है, कन्वेक्स ऑप्टिकल, है ना, एक कन्वेक्स मिरर में है, ये देखिए, देख रहे हैं ना, आ रहा है ना, एकदम सुंदर सुंदर चेहरा आ रहा है, बकलोल नहीं आ रहा है क्या, देखो स्मार्ट आ रहा है, चलो बाल उलझाड़ लो तो नहीं, चलिए ठीक है। सेकेंड देखिए, ये लेंस है ना, डबल कन्वेक्स लेंस, देख रहे हो दम लेधानी है ना, डबल कन्वेक्स। कन्वेक्स का यही होता है ना, बल्ज आउट सरफेस होता है, बल्ज आउट मतलब बिगे हुए, ठीक ना, हाँ, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही होता है, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन। इन्वर्टेड इमेज बनाएगा ही, ये देखो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर देख रहे, कन्वेक्स मिरर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर है, इसके बारे में बताया जा रहा है। ये देखो कन्वेक्स तो हो गया ना मेरे, ये देखो डबल कनकेव, है ना, ये कनकेव है, देख रहे हैं ना, ये लेंस है ना।
इसी तरह से कनकेव और कन्वेक्स जो होता है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लो कि एक बीमारी होता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, उसको करेक्शन में। एक और बीमारी होता है जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, जैसे कि मसौढ़ी में एक इंसान है जिसका नाम है वो विजय मार्केट में बसंती को चिन्हते हैं, जो किताब बेचता है, उन नकवा पे चश्मा लगाइले रहेगा, है ना, इससे क्या है ना, वो ऐसे लगा करके बेचने से ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, वहाँ पे उसका दोनों डिस्टर्ब होता है, रेटिना पे जब इमेज नहीं बन पाता है ना, ये डबल कनकेव है इसी तरह से बता रहा है। तो इसका प्रॉपर्टीज वगैरह जब लेंस पढ़िएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक में लेंस है ना, तो इस केस में हम लोग को पढ़ना है किस प्रकार से ये इमेज फॉर्मेशन में मदद करता है। इसके भी अलग अलग पोजीशन आते हैं, कहाँ कौन इमेज बनेगा, कैसे इमेज बनता है इसके केस में, ठीक है। तो मेन यहाँ टॉपिक समझना तुम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और यही रिफ्रैक्शन के वजह से ना अलग अलग एप्लीकेशन है। कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है ना, जैसे कि पानी वगैरह में हम लोग डालेंगे, पेन वगैरह अगर डालेंगे तो यहाँ से बेंड प्रतीत होगा, देखो ना यहाँ से टूटा हुआ दिखेगा, है ना, तो ये सब इसके पीछे है ना। नींबू है अभी काट दिए, वो नींबू का साइज छोटा लेकिन इसमें बड़ा दिखेगा, वो रिफ्रैक्शन होता है। इसके बाद रात में तारा टिमटिमाता है, इसके पीछे भी कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन उसके पीछे कौन सा रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस होता है, रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, लेकिन कारण वही होता है। वहां पे भी माध्यम, हाँ डालिए देखिए, है ना, नीचे से छोटा था ऊपर बड़ा, मतलब गोल डालते था ना, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा, यही होता है, मैग्नीफाई कर देता है। एक और कॉमन एग्जांपल, कुछ लिख करके डालोगे है ना, और उस पर क्या डालोगे, ग्लास का स्लैब डालोगे, तो वहाँ पर भी मैग्नीफाई इमेज बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। हाँ ये तो घर ले जाना है, ठीक है, सब आ रहा है तुम लोग, ठीक ना। तो इस केस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करता है सीधे बेंडिंग ऑफ लाइट, देखिए ना, कॉमन एग्जांपल है ना, किस एंगल पे हम पास करा रहे हैं, कहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करता है। देखिए, देख सुमित, है ना, हम लोग लाइट पास करा रहे हैं नीचे से, एंगल बन रहा है ऊपर, इसका मतलब क्या होता है, देखो दो टर्म है, सुनो बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए दो टर्म होता है। सबसे पहला, दो माध्यम हो गया, रेयरर और डेंसर। रेयरर माध्यम किसको कहते हैं, द टाइप ऑफ मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, हवा को रेयरर कहते हैं क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स फार अपार्ट है, एक दूसरे से दूर पे है। डेंसर किसको कहते हैं, वैसा पार्टिकल है ना, मतलब वैसा मीडियम जहाँ पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, जहाँ इसमें देखिए पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, तो ये डेंसर हो गया। तो रेयरर से डेंसर अगर लाइट जाता है ना, रेयरर मतलब हवा से डेंसर की ओर प्रवेश करेगा, तो यहां पे डेंसर की ओर जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना, यहां पे जब जाएगा हवा से यहां पे तो टुवर्ड्स नॉर्मल, इसीलिए देखो नीचे का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यहां से हवा में जाएगा, यानी ग्लास से हम लाइट पास करवा रहे हैं हवा में, तो ये हो गया डेंसर टू रेयरर, तो देखो टुवर्ड अवे फ्रॉम नॉर्मल जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, नीचे देखिए अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, नॉर्मल से दूर जा रहा है, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन का जो मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो।